हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर्स। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, थोड़ा काम कुम था और काम अभी ख़त्म हो चुका है मेरा तो। और बहुत से भाइयों का कमेंट्स भी आ रहा था कि भाई आप परवाजी नुस्खा बता दें, कबूतर को उड़ाने के लिए कुछ ऐसा नुस्खा बताएँ जिससे हमारे कबूतर अच्छी परवाज भी करे और कबूतर अच्छे तौर तरीके से उड़े भी। तो आज दोस्तों वही वीडियो बनने वाली है और आप सब भाइयों को भी परवाजी नुस्खे के बारे में बताने लगा हूँ मैं। तो वीडियो प्लीज़ गौर से देखिएगा और जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ आपको उस पर गौर कीजिएगा और वैसे ही कबूतर उड़ाइएगा। आपके कबूतर 100% उड़ेंगे, ये गारंटी आपके भाई की। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, अभी दाना का टाइम हो गया था कबूतर को, थोड़ा दाना शाना खिलाते हैं कबूतर को ताकि कबूतर भूखे सूखे ना रहे। तो दोस्तों जैसे कि भाई सब कमेंट्स कर रहे थे मुझे दो चार दिनों से, तो सब भाई यही बोल रहे थे कि भाई कोई नुस्खा बता दे, कोई नुस्खा बता दे, कोई नुस्खा बता दे। तो आज मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ वो ऐसा नुस्खा है कि दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, बस 5 से 10 रुपए का नुस्खा है वो, और उसी से कबूतर आपके अच्छे उड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यकीन माने जो भाई मेरे पर विश्वास करते हैं वो ये नुस्खा लगा के देखें, आपके कबूतर 100% उड़ेंगे ही उड़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और, उस कबूतर को लगाना आपने है जो कबूतर आपका 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उड़ता है, उस कबूतर को आपने थोड़ा तेज नुस्खा लगाना है। और जो कबूतर आपके थोड़े अच्छे 3 घंटे 4 घंटे जो मार रहे हैं उसे हल्का नुस्खा लगाना है, ठीक है। लगाना उस कबूतर को है आपने जो घर के पक्के हों, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि कच्चा कबूतर को आपने लगा दिया तो वो घर में नहीं बैठेगा, वो सीधा बाहर ही जाके गिरेगा। ऐसा नुस्खा मैं आपको आज बता रहा हूँ और यकीन माने नुस्खा बड़ा ही पावरफुल है। और आपने उस नुस्खे को सही तरीके से और सही टाइम पे लगाना है और कबूतर आपने उड़ाना भी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आज जो आपको टैबलेट बताता हूँ, बहुत लोग इसको जानते भी हैं और मैंने पहले ही बताया है। तो दोस्तों ये है टैबलेट एविल 25, ठीक है दोस्तों। हर भाई इसी से कबूतर उड़ाते भी हैं और मैं भी उड़ाता हूँ। बस इसका नुस्खा कैसे लगाना है, क्या करना होता है, मिकदार कैसे क्या देना है, आज ये मैं भी आपको बताऊंगा और वीडियो आप गौर से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टैबलेट है एविल 25, इसका क्या काम है, कैसे इसको देना है आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप दो चीज़ का याद रख लेना मेरी बातों का। पहले नंबर पे आपको भरोसा होना चाहिए मेरे पे कि भाई जो बता रहे हैं वो नुस्खा 100% काम करेगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप विश्वास करें। और दूसरा आपकी मेहनत, ठीक है दोस्तों। जितनी मेहनत आप अपने कबूतर पे करेंगे उतना कबूतर आपका अच्छा उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने करना क्या है, इस टैबलेट को एक गोली आपने ले लेना है, लेके अच्छी तरह इसका पाउडर कर लें आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी टैबलेट है दोस्तों ये डेक्सोना, ठीक है दोस्तों। बस यही दो टैबलेट आपको लेनी है और इन्हीं दोनों से मैंने कबूतर उड़ाया भी है अच्छा और आपने भी अच्छे कबूतर उड़ाने हैं, ठीक है दोस्तों। इसी से उड़ेंगे भी और अच्छी परवाज भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी एक टैबलेट ले लें आप और लेके अच्छी तरह इसको पाउडर कर लें। इतना पाउडर करना है आपने कि जब हाथ में आप पकड़ें तो आपको दाना सा महसूस ना हो, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से पाउडर कर लेना है दोनों टैबलेट का और अच्छी तरीके से उसको निकाल लें, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, तो ये दोस्तों एक गिलास पानी है, इसे आप नीम गर्म कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी के टाइम में इसे आपने नीम गर्म कर लेना है, नीम गर्म करके ठंडा कर लेना है। ये नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में मत रहना दोस्तों, नीम गर्म आपने करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद देखेंगे आपका पानी ठंडा हो गया होगा। उस पानी को आपने
60 छः कबूतर के हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 60 cc, ठीक है दोस्तों, 60 cc आपने पानी लेना है। ये 5 है और इसके नीचे एक ये, ठीक है दोस्तों, 60 cc पानी लेना है आपने इससे इससे, ठीक है दोस्तों, और वही गर्म पानी। और आपने वो जो आपने मेडिसिन पाउडर बनाया है उसमें इसको डाल देना है, ठीक है दोस्तों। डाल के आपने अच्छी तरह तरीके से उसको फेंटना है, या इसी से फेंटे, खींच खींच के अच्छी तरीके से फेंटे उसको। कम से कम आपने 15 से 20 मिनट फेंटना है उसको, ताकि उसका पाउडर जो है उस पानी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा तरीके से पानी में वो घुल जाए। और उसका जो असर होगा अब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपने करना है, कब करना है, आपने जैसे कबूतर कल उड़ाना है, ठीक है दोस्तों, तो कल जब उड़ाना है आपने सुबह में, तो आज आपने अपने कबूतर को दाना पानी दिन में कर दिया, 3-4 बजे तक दाना पानी कर दिया। उसके बाद आप जो भी करते हैं, गर्म करते हैं चाहे ठंडा करते हैं, जो भी करते हैं खुराक उसे फिर देते हैं। खुराक देने के बाद जब 10-11 बजते हैं रात के, तब आप ये वाला पानी आप उसे दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला पानी आप उसे दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और 11 बजे आपने देना है, देना कितना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर जो कम कबूतर उठता है, जो आधा घंटा 1 घंटा उड़ के नीचे आ जाता है दोस्तों, उसको आपने 2 cc, ये देख लें, 1 और ये 2, ठीक है दोस्तों, 2 cc ये मेडिसिन वाला पानी, और 3 cc आपने सादा पानी देना है। सादा पानी वही नीम गर्म पानी रखना है, उसे फेंकना नहीं है आपने, वो पानी देना है, ठीक है दोस्तों। और वो पानी देके उस कबूतर को देना है जो आधा 1 घंटा के अंदर उड़ता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये कि आपने कबूतर उड़ाया, कबूतर गया आसमान में हाथ लगा के सीधा नीचे आ गया, उस कबूतर को देना जो ठहरता नहीं है आसमान में, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे दोस्तों उस कबूतर को देना है जो 3-4 घंटे से परवाज़ अपनी आगे कर ही नहीं रहा। तो उस कबूतर को कैसे हमने परवाज़ उसकी बनानी है, तो ये देख ले, 1 cc पानी ये वाला लेना है, ठीक है दोस्तों, और 4 cc आपने, ये देखिए 4 cc सादा पानी, ठीक है दोस्तों। सादा पानी लेके कबूतर को 11 बजे दे दें आप उसके मुंह में, उसके बाद आपने कुछ नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सुबह के टाइम में लगे मौसम ख़राब है, ठीक है दोस्तों, मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, आपको कबूतर उड़ाना ही उड़ाना है, तो आप एक काम करें, जाते समय से 1 घंटा पहले आपने बस यही प्रोसेस अपनाना है अपने कबूतर को जाने से पहले, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने 7 बजे या 6 बजे कबूतर उड़ाना है, तो उससे पहले 5 बजे आप अपने कबूतर को इसी तरह आपने दे देना है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दें बेहिचक दें, आपका भाई बैठा हुआ है, ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, आप दे सकते हैं उसे। कबूतर आपका हवा में भी तैरेगा ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस बात का यकीन करें आप मेरी बातों पर, और आप इस पानी का इस्तेमाल कराएं, ठीक है दोस्तों। ये पानी आपको बहुत ही अच्छा कमाल दिखाएगी, और मैंने इस चीज़ों को दोस्तों अपनाया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ खासकर, ठीक है दोस्तों। और आपने यही 2 टैबलेट, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 रुपए की ये टैबलेट होगी, और 4 या 5 रुपए की ये टैबलेट होगी। 10 रुपए में मैंने कबूतर उड़ाए हैं, कोई भाई है उड़ाने वाला तो मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। मैंने 10 रुपए में कबूतर उड़ाए हैं और मैं उड़ाता भी हूँ, बस तजुर्बा दोस्तों अपना अपना होता है, और अच्छे कबूतर मेरे उड़ते भी हैं, और आप सब भाइयों को भी मैंने यही नुस्खा बताया, और भाई सब भी यही पूछते थे बार बार कि भाई कोई नुस्खा बता दे, कोई नुस्खा बता दे, तो यही नुस्खा है दोस्तों मेरा, और मैं ऐसे ही कबूतर उड़ाता हूँ, आप भी अपने कबूतर उड़ाएं। और जो भाई चैनल पे नहीं है, न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई सब वीडियो गौर से देखते नहीं हैं, वीडियो देखते भी नहीं हैं आजकल, इंटरेस्ट नहीं है उनको वीडियो में,
तो वीडियो दोस्तों आपके लिए ही मैं बनाता हूँ, आपके शौक के लिए बनाता हूँ, आप सब जो पूछते हैं मैं बताता भी हूँ। तो वीडियो लाजमी देखा करें, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरा इंटरेस्ट इस सब चीज़ों से ख़त्म हो जाए वीडियो से, तो फिर मैं वीडियो बनाना भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखें बात सीधी सी मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप सब वीडियो उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई सब मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप भी जब वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करा करें, अपनी अपनी बातें जो है वो शेयर करा करें मेरे साथ, तो मैं भी आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी दोस्तों यही नुस्खा है, आपने कबूतर ऐसे ही उड़ाना है, और कोई आपको दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे कमेंट करें, उसका भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।